विश्वविद्यालय का कल यानी 25 दिसंबर को 102 साल का स्वर्णिम ऐतिहासिक सफर पूरा हो रहा है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। वहीं आज लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लखनऊ विश्वविद्यालय के 102वें स्थापना दिवस की तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले की तरह इस साल भी हम विश्वविद्यालय का 102वां स्थापना दिवस काफी बड़े स्तर पर मनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि विश्वविद्यालय को नेक ग्रेडिंग में A++ हासिल होने से इस बार स्थापना दिवस में 4 चांद लग गए हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर हमने इस बार 6 एल्यूमिनाई को आमंत्रित किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, शशि शेखर समेत कई पूर्व छात्र शामिल होंगे। कुलपति ने बताया कि इस बार सभी पूर्व छात्रों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया है। बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय की नींव कैनिंग कॉलेज के रूप में 1 मई 1864 को हुसैनाबाद कोठी में हुई थी। इसके बाद अनौपचारिक रूप से शुरू होने के बाद यह स्कूल अमीनाबाद में संचालित हुआ। फिर साल 1866 में लाल बारादरी में इसकी कक्षाएं लगाई गई, जिसको बाद में कैसरबाग में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं आखिर में स्कूल बादशाहबाग स्थित वर्तमान परिसर में पहुंच गया, जहां कैनिंग कॉलेज के रूप में 25 नवंबर 1920 को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसके बाद जुलाई साल 1921 से यहां पढ़ाई शुरू हुई थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी एलुमनाई फाउंडेशन इज अ रजिस्टर्ड बॉडी और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हम लोगों ने मीटिंग की और विश्वविद्यालय स्पेशली जिन एरियाज में एक बड़ा अकम्पलिशमेंट उसका बीते 102 साल की जर्नी में रहा है, सबका रिप्रेजेंटेशन हो उन तमाम एरियाज में जहां हमारे स्टूडेंट्स जो दरअसल रिफ्लेक्शन है हमारी क्वालिटी का, हमारे एजुकेशन का, हमारी एकेडमिक्स का, हमारे रिसर्च का, उन सभी का रिप्रेजेंटेशन हो, इस प्रयास के साथ 6 डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई आइडेंटिफाई किए गए, उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में नाम प्रस्तावित हुए और उन 6 डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई को हम लोगों ने अप्रोच किया। दे 6 डिस्टिंग्विश्ड एलुमना हम लोगों ने आइडेंटिफाई उस बोर्ड ने किया जिसमें वो इनका सम्मान होगा। इनका सम्मान करने के लिए हमारे पास 3 विशिष्ट अतिथि को भी हम लोगों ने इन्वाइट किया है। हमारे ऑनरेबल हायर एजुकेशन मिनिस्टर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के भी मिनिस्टर हैं, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, वो इसमें आ रहे हैं एज चीफ गेस्ट। हमारे ही विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और करेंटली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश श्री दयाशंकर जी भी रहेंगे और एडिटर इन चीफ ऑफ हिंदुस्तान ग्रुप श्री शशि शेखर जी वो भी रहेंगे। इसके अलावा हमारे बहुत सारे पूर्व छात्र जो शहर में हैं उनको हम लोगों ने व्यक्तिगत निमंत्रण भी दिया है। बहुत सारे ऑनरेबल जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जितने भी हमारे CSIR लैब के डायरेक्टर्स हैं और बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड लोग जो जितने पद्म बॉडीज हैं यूनिवर्सिटी के, उन सभी लोगों को हम लोगों ने व्यक्तिगत इन्विटेशन भी दिया है कि इस अवसर पर आएँ और अपना आशीर्वाद विश्वविद्यालय के छात्रों को भी दें, अपने कॉलीग्स को भी दें जो इस समय करेंटली टीचर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, इन सबको। 2 भाग में प्रोग्राम है। फर्स्ट भाग थोड़ा रिलेटिवली फॉर्मल इसको कहें, जिसमें हम लोग हमारे डिस्टिंग्विश्ड एलुमना उनका एक्सपीरियंस शेयरिंग, हमारे गेस्ट का आशीर्वाद और उनका एड्रेस, और सेकेंड हाफ में हमारे यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स द्वारा किया जा रहा कल्चरल, वी आर यूजिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट द न्यू अकम्पलिशमेंट दैट दिस यूनिवर्सिटी हैज हैड इन अ रीसेंट पास्ट बाय गेटिंग NAC A++ ग्रेड। तो उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मल कोई सेलिब्रेशन नहीं किया था विश्वविद्यालय स्तर पर, तो ये फाउंडेशन डे से अच्छा दिन नहीं हो सकता था जहां हम उसको सेलिब्रेशन भी करें और उस सेलिब्रेशन में अपने पूर्व छात्रों को भी सहभागी बनाएं। हम सारे हैं तो इस अवसर पे हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी जो टैगोर लाइब्रेरी है वो 24 और 25 के लिए खुली रहेगी। आप जाके देखेंगी थोड़ी सजावट भी, जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है आप थोड़ी करते हैं, तो उस तरह से थोड़ी सजावट भी वहाँ की गई है। यूनिवर्सिटी का लोगों की रंगोली वगैरह बनाई गई है। बाकी वी वॉन्ट कि लोग आएँ हमारी लाइब्रेरी देखें। स्पेशली हमारा राधा कमल मुखर्जी आर्ट गैलरी जो 2020 के कॉन्वोकेशन में ऑनरेबल गवर्नर मैडम ने जिसको उद्घाटन किया था और इसी 22 में हम लोगों ने रेयर मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन जो जहां हमारे पास 1000 साल से पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं
उनका प्रेजर्वेशन हम किस तरह से करते हैं उसको भी हम लोगों ने पब्लिक डिस्प्ले के लिए रखा है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की साइबर लाइब्रेरी है, टॉपर्स की कॉपीज हैं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए जो अलग सेक्शन है, तो ये सारा हमारा रिन्यूड एंड रीवर्क रीडिंग रूम है। तो इस तरह के जितने हमारे सेक्शंस हैं ये सारे सेक्शंस को हम लोगों ने खोला है। इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी में 6 अलग अलग म्यूजियम्स हैं अलग अलग विभागों में।